சலா சலா போடு சலா மெல்ல உக்கார் கரா சலா 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 ஏய் ருக்கோ நீ இது யாபி ஆ கயா நிஷா பாய்ஜே பாய்ஜே ஹே छोकरी हो क्या छोकरे के जैसा मारती है यार ए ज्यादा बात नहीं करने का डिक्की खोलो यस सर सर उसमें खाली स्टेपनी है शट अप डिक्की खोलो जल्दी सर अपन सच बोल रहे हैं चुप ये स्टेपनी है हां स्टेपनी है ये बकरा ये भी गया सब कसम से सिटी वाला है ना एक एक का मेरे दोस्तों का गेम करता है मेरे को पता नहीं शट अप बच्चा अरे ये धुआं कहां से आया अरे ये खूनी और मुर्दा कहां गया सर पकड़ लिया मैंने सर पकड़ लिया क्या पकड़ लिया छोड़ छोड़ ना पड़ून गेला सर पड़ून गेला केला केला नहीं गेला गेला मुझे गोन गया यस रन अगेन यस क्या बड़ू सिगरेट है क्या नहीं तो एक काम करना 100 की पत्ती ले सामने फुटपाथ पे दुकान है तू भी ले क्या मेरे को भी पिला तू भी पी जाना ओके तू सिगरेट पीती है क्या नहीं तो नहीं ना तो तू मेरे काम की है तू काय को पाव दुखा रहे लिए वर्ल्ड की पहली मोटरसाइकिल है जिसमें बटन दबाओ तो एयर कंडीशन चालू होता है चल ना मेरे साथ चौपाटी जाएंगे ने भेलपुरी खाएंगे कोपचे में बैठ के क्या हुआ बच गई क्या सिटी बॉस मेरे को बचा ले करण मेरे पीछे पड़ गया मैं गया काम से अरे मास्टर मैं गया मेरे को मारने नहीं मेरे को आवाज आ गई अरे मैं गया रे अरे मैं मच्छर भी नहीं मारा यार Oh God! Yeah. MMS 914. पता लगाओ इस नंबर की गाड़ी के मालिक का नाम क्या है? और उस मालिक के साथ उस मालिक के साथ इस लड़की का रिश्ता क्या है लेकिन सर इतने बड़े शहर में इस नंबर का पता कहां से लगाएंगे आरटीओ से पर सर मैं आरटीओ नाम के किसी आदमी को नहीं जानता क्या हा? तू चल यार बाय ये तुम कौन से 50 लाख के चक्कर में पड़ गए अरे मैं क्या वो तुम्हारे डैड भी उसी 50 लाख के चक्कर में पड़े हुए हाँ अब 50 लाख रुपया मिलने के बाद ही मुस्कुराऊंगा तुम्हें सर से पांव तक सोने में सजी हुई बीवी बनाऊंगा हाँ। सर हम बिल्कुल सच कह रहे हैं आरटीओ में ना ही उसका कोई नंबर है और ना ही कोई रिकॉर्ड है और जिस लड़की की तस्वीर आपने दी थी सर उसी लड़की को हमने दूसरी गाड़ी में देखा और उसका पीछा भी किया कहाँ रहती हो तुम कौन हो तुम क्या चाहते हो What the hell? Answer me. Who are you? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा छप हाँ अंजू अंजू कौन अंजू हे हु आर यू
जो कल तक तुम्हारे लिए सब कुछ था, मगर आज तुम बिल्कुल बदल गई हो। ऐसा क्यों कर रही हो अंजू? I am not your Anju. चाहते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? बुला पुलिस को। ये क्या कर रहे हो? फैसला। मारना चाहते हो मुझे? मगर मेरा दोष क्या है? देखो, तुम मुझे सजा नहीं दे सकते। मैं तो तुम्हारी अंजु हूँ ही नहीं। मेरे दिल के साथ मत खेलो। ये दिल जिसका कायल हो, वही जब उसे घायल करना चाहता है तो टूटता नहीं और भी सख्त हो जाता है। अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत में वफादार ना होता तो तुम्हारी बेवफाई से मैं... प्लीज मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। डोंट शूट मी। मैं जीना चाहती हूँ अपने लिए नहीं, उसके लिए जो मेरे बिना नहीं जी सकता। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी अंजु नहीं हूँ। नहीं हूँ। तुम अगर मेरी अंजु होती भी तो मैं तुम्हें नहीं मारता। तुम्हारी शक्ल जो मिलती है उससे, लेकिन मैं तो अब तक अंजू के लिए जी रहा था। जब वही दुनिया में नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगा? नहीं करा, नहीं करा। अंजू, करन मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ही तुम्हारी अंजू, मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ। ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है जिसने अपने प्यार को गुनहगार बना दिया? ये कैसा प्यार है जिसने मेरी चाहत, मेरे अरमान, मेरे मासूम ख्वाबों के साथ खिलौने की तरह खेला और उसे तोड़कर फेंक दिया? ये कैसी खुदगर्ज मोहब्बत है जिसमें ना दया है, ना प्रेम है, ना अपनापन है, सिर्फ धोखा है, फरेब है? क्यों मेरे साथ तुमने ये धोखे का जाल रचा? बताओ अंजू, बताओ। और उसे तोड़ने के लिए तुम्हें उसकी वो ताकत और बैसाखी तोड़नी पड़ेगी, इंस्पेक्टर राजन। अब मेरी जान, ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज, अभी शादी के बाद? आज मैं नहीं छोड़ूंगा। शादी से क्या फर्क पड़ता है? आज मौका है, फिर ये मौका हाथ नहीं आएगा। छोड़ो रजत, क्यों सता रहे हो मुझे? सता रहा? अरे तुम मुझे सता रहे हो। छोड़ो ना रजत, हर बार ऐसे ही करती हो तुम। छोड़ो ना। मीना, अरे जल्दी करो यार, बहुत भूख लगी। मैं पूछती हूँ कौन है ये चुड़ैल? ये कौन? ये पहले ये बताओ, ये कैसेट तुम्हें किसने दिया? था कोई तुम्हारा दुश्मन? तुम्हें किसी ने कैसेट क्या भेज दिया? तुमने मेरे साथ कोतवाली शुरू कर दी। तीन सितारे और वर्दी से कोई कोतवाल नहीं बन जाता। तुमने मेरे प्यार को गाली दी है। बीवी हो तुम मेरी, जितनी बार चाहूं गाली दूंगा। चुपचाप खामोशी से पड़ी रहो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जेल में कैद कोई वैश्य नहीं जिसे तुम्हारी जमानत की मंजूरी और नामंजूरी का डर हो। चाप और खामोशी से पड़ी रहने वाली चीज का नाम बीवी नहीं। मैं अभी जाकर तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट को बताती हूँ तुम्हारी असलियत। जाओ जाओ, जहाँ जाना जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, ये दोनों घर मेरे हैं, ये भी और पुलिस स्टेशन भी। जिस दिन बड़े घर जाओगे उस दिन सब कुछ भूल जाओगे। मैं इसके दुख को खुद खुशी में तब्दील कर दूंगा। बॉस, अरे यार बॉस, खाओ। बॉस 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 बॉस, अरे बॉस 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 बॉस। बॉस, अपने वाट लग गए लिए
तकदीर पलटा खा गई। तकदीरें पलटता भी मैं हूँ, लिखता भी मैं हूँ। मेरी तकदीर पलटने वाला पलट कर दुनिया भी नहीं देखता। अरे पन वो आपको दूसरी दुनिया में पलटाने के फिराक में है बॉस। अपनी गुड़िया बोल गई, सारे पोल खोल गई। मूसा! यही है ना वो गुड़िया जो अपने प्यार के जुनून में भूल गई हमारे जुनून को। जब हमारा खेल चलता है धरती पर, तब आसमान पर बैठा वो एम्पायर भी हमें आउट करने के लिए अपनी उंगली नहीं उठाता। उसे डर लगता है कि हम कहीं इस दुनिया से आउट होकर उस दुनिया में इन हो गए तो वो किस दुनिया में जाकर जिएगा, और ये दो टके की छोकरी इसकी ये मजाल। हमने तुझे मिडिल क्लास से उठाकर एक क्लास जिंदगी दी, एक करोड़पति शिपिंग कॉरपोरेशन के मालिक की बेटी बना दिया चुटकियों में। यस, सेम टाटू, सेम परी। अरे जब तू छोटी थी हमने साथ में बनवाया था, मुझको मेरी डॉटर अंजू मिल गई, मेरी वाइफ की आखिरी निशानी मिल गई, मेरी अंजू मिल गई। पापा, मेरी अंजू। भूल गई वो दिन, मगर तू उसकी खोई हुई बेटी अंजू नहीं थी, तू हमारे खतरनाक खेल का एक मोहरा थी, और अब करण के साथ मिलकर तू हमसे खेलना चाहती है, हमसे, जिस जान के लिए तूने अपनी जान हमारे काम में लगा दी, वो जान आज भी हमारी मुट्ठी में है, और हम उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। नहीं, नहीं, उसे कुछ मत करना। तो फिर कान खोल कर सुन, उस बिजनेसमैन की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम से अब हमारे नाम पर हो गई है, सिर्फ एक सेफ वॉल्ट की चाबी बाकी है, जिसमें उस बिजनेसमैन ने अपनी बेटी की शादी के लिए करोड़ों के डायमंड्स जमा कर रखे हैं। बस एक बार ट्रस्टी उस सेफ वॉल्ट की चाबी तेरे हवाले कर दे, और तू बैंक का वो सेफ वॉल्ट खोलकर वो सारे डायमंड्स हमें दे दे, बस ये आखिरी खेल है। अरे गला मत दबाओ बॉस, अगर मर गए तो अपने वो करोड़ों के डायमंड नहीं मिलेंगे। सुन, कल इंस्पेक्टर रजत के यहाँ एक फंक्शन है, करण इंस्पेक्टर का शिकार करने के लिए वहां जरूर जाएगा, तू वहां नाचेगी गाएगी और उसे यहाँ लाकर फेंकेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या कहा? अरे यार तुम लोग जाओ और इसके भाई को जान से मार डालो, मैटर फिनिश करो, बहुत हो गया। नहीं, मैं जाऊंगी। प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना। गुड, वेरी गुड, हम तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे और तू हमारे इशारों पर नाच। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।